दोस्तों, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत में और नेपाल में विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन पड़ता है। इस दिन सूर्य अपनी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल आदि जगह पे इसे केवल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। खिचड़ी का पर्व आज 15 जनवरी को मैं मना रही हूँ। बहुत से लोगों ने कल भी मनाया था, लेकिन मैं आज मनाऊंगी। मैं दहा इस समय बज रहे हैं सुबह के 5:30। अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। उसके बाद मैंने अन्न को छुआ था। अन्न छूने के बाद मैंने भगवान जी की पूजा की, भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद आपसे बातें कर रही हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं आज के दिन क्या क्या करती हूँ, कैसे खिचड़ी का त्यौहार मनाती हूँ। सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं संक्रांति पे क्या क्या करती हूँ। दोस्तों, संक्रांति के पर्व पे दान का, स्नान का विशेष महत्व होता है, इसलिए मैंने दान की सारी चीज़ें निकाल के रखी हैं और ये सब चीज़ें मैंने स्पर्श की हैं। ये देखिए, इसमें नया चावल है, काले तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, घी का पैकेट, हल्दी, मूली और काली उड़द की दाल, अदरक। उसके अलावा खाने के लिए गट्टा, सेव, काले तिल का लड्डू, सफ़ेद तिल का लड्डू, मूंगफली, चूरा, लाई, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ, सब कुछ मैंने खाने के लिए निकाला भी था और दान करने के लिए भी निकाला था। सब लोग उसको छूते हैं और फिर उसको पंडित जी को भी दान दिया जाता है। जो घर में काम करने वाले होते हैं उनको भी दान दिया जाता है। और मैं अपने भगवान जी भी रखी हूँ, तो मैं अपने भगवान जी को भी, भगवान जी के लिए भी निकाल देती हूँ। तो मैं जो ये छोटे छोटे पैकेट आपको दिख रहे हैं, मुझे ये बड़े अच्छे लगे। बाज़ार में दान करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए मैं दान करने के लिए इनको ले आई। और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रही हैं, ये सब चीज़ें मैं दान भी करती हूँ और खाने के लिए भी लाती हूँ, और जो घर में बेचारे काम करने वाले होते हैं उनको भी दे देती हूँ, बेचारे खुश हो जाते हैं। अब मैं अभी आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। ये देखिए, मूली है, ये जो घी है, देसी घी पैकेट मिलता है छोटा, हल्दी का भी पैकेट। कहाँ पुड़िया में निकालो हल्दी वल्दी, इसलिए मैं वो पैकेट लेके आती हूँ। जितनी चीज़ें खिचड़ी के लिए इस्तेमाल होती हैं, सब चीज़ें दान की जाती हैं। खिचड़ी के दिन मेरी बेटी और मेरे पति ने पतंग भी उड़ाई थी, लेकिन क्या करूँ, वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए वो वीडियो मैंने कट कर दिया, इसमें नहीं डाला। पतंग इसलिए उड़ाई जाती है क्योंकि कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने इस दिन पतंग उड़ाई थी और जो सीधे इंद्रलोक में जाके पहुँची थी, इसलिए पतंग उड़ाते। भगवान जी की बात से याद आया, मैंने अपने भगवान जी को भी खाने के पहले भोग लगाया था, ये सब चीज़ें स्पर्श की थी, अनाज और खाने वाली चीज़ें। उसके बाद भगवान जी को नहाने के बाद भगवान जी को नहला के नया कपड़ा पहनाई थी और उनको भी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें दान के लिए निकाली थी, खाने पीने वाली चीज़ें, उनको दान, उनको खिलाने के लिए मैंने भोग लगा दिया है और भगवान जी भी भोग लगा लिए हैं। और उनको भी आज मैंने नया कपड़ा पहनाया था, क्योंकि त्यौहार का समय है तो हम त्यौहार पर मैं नया कपड़ा पहनती हूँ, और मैंने भगवान जी को भी नए नए कपड़े पहनाए थे। और खाने के लिए जितनी भी चीज़ें मेरी थी, मुझे खानी थी, वो भी चीज़ें भगवान जी के लिए भी मैंने भोग में निकाल दी थी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान जी मेरे, मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ब्लू कलर के कपड़े में, टोपी के साथ। भाई, हमको भी ठंडक लगती तो भगवान जी को भी तो ठंडक लगती है ना, इसीलिए उनको भी मैं कपड़े ऊनी पहनाती हूँ। ये देखिए, मैंने नाश्ते के लिए मटर और आलू की पूड़ी भर के बनाई थी, तो ये जो है, इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर कर दूंगी। ये मैं पहले नाश्ते के बाद मैंने भरता बना के रख लिया और इसमें नमक बाद में मिलाऊंगी, और इसमें थोड़ा सा कच्चा तेल, प्याज और टमाटर काट के मिला दिया है।
और ये पूरी फिर से दिखा दे रही हूँ, अभी नाश्ता करने के बाद बच गई है पूरी, क्योंकि पूरी वगैरह ऐसे थे दिन भर लोग खाते रहते हैं। ये मैंने खीर बनाई है, खीर में अभी मैंने इलायची और मेवा मिलाया है और इसको चलाऊंगी। अगर पतली लगेगी तो थोड़ा सा पानी और डाल, पानी नहीं सॉरी दूध डालूंगी, पानी क्यों डालूंगी। अभी देखिए गाढ़ी लग रही है, हल्का सा मैं इसमें दूध और डाल दूंगी ताकि हल्की सी पतली हो जाए। देखिए अभी गरम गरम तैयार हो गया है। इसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊंगी और खिचड़ी की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। खाना देखते ही मान तो मुँह में पानी आने लगता है, और सचमुच बता रहे बहुत ही यम्मी बनी थी खीर। अब मैं खिचड़ी का आपको सामान दिखाती हूँ। खिचड़ी के लिए मैंने सोया, मटर और अदरक घिस के रख लिया और धनिया भी काट के रख ली। ये सब पहले से मैंने काट के धुल के तैयारी कर ली है कि जब खाना खाना होगा तो तभी लगे, तभी तुरंत फटाफट खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है, इसलिए उसी समय बना लूँगी। अब देखिए खिचड़ी बना रही हूँ मैं। एक कटोरी काली उड़द की दाल ली मैंने, पहले से बिन के रखा है, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। काली उड़द की दाल को मैं कटोरी से थाली में पलट लूँगी और उसके बाद इसी कटोरी की नाप से मैं लगभग 3 कटोरी चावल लूँगी। ये नया चावल है और मैं पहले से बिन चुकी हूँ। ये देखिए 3 कटोरी नया चावल लिया मैंने। अब मैं चावल और दाल को मिक्स करके अच्छे से धुलूँगी, और तब तक धुलूँगी जब तक से ये अदरक और पे अदरक जो मैंने घिसी है अभी मैं कैसे मिलाऊंगी ये बाद में बताऊंगी। ये तीनों चीज़ें कैसे मिलाना है अभी बाद में बताऊंगी। देखिए मैं चावल दाल को मिला के खूब अच्छे से तब तक धुलूंगी जब तक से पानी गंदा गंदा जो निकलता है वो ख़त्म ना हो जाए, एकदम साफ साफ पानी रहे। अभी देखिए एकदम साफ साफ पानी हो जाएगा, तब तक मैं धुलूंगी। क्योंकि ये देखिए चावल जो नया चावल होता है उसमें से ही देखिए वाइट वाइट कुछ निकलता है। ये देखिए एकदम साफ साफ पानी हो गया, तब तक मैंने इसको धुला। अब मैं इसको कुकर में पलट लिया मैंने। कुकर में पलटने के बाद अदरक जो घिसी हुई थी वो डाली है मैंने, लगभग 2 चम्मच, एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का मैंने घिसा था। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती भी इसी समय मिला दूंगी, और मटर लगभग 1.5 कटोरी मटर है, जिस कटोरी से मैंने वो चावल और दाल नापा था उसी कटोरी से लगभग 1.5 कटोरी मटर है, मटर मिला दूंगी। अब मैं इसमें सोया मिला दूंगी, सोया लगभग 2 कटोरी मिलाऊंगी, और हींग डालूंगी। ये देखिए लगभग 2 कटोरी सोया डाल रही हूँ, हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद अब इसमें मैं घी भी डालूंगी, पहले नमक हल्दी नमक डालूंगी तब घी डालूंगी। ये देखिए स्वाद अनुसार नमक और हल्दी लगभग 1 चम्मच डाला मैंने। अभी देखिए लगभग 2 चम्मच घी है ये, अगर मैं इसको पिघला के डालती तो 2 चम्मच घी है। और मैं इसको चलाने के बाद कुकर जो है इंडक्शन पे चढ़ा दूंगी, और जब तक से हमारी खिचड़ी बनेगी तब तक से खिचड़ी बनने में लगभग 15-20 मिनट का टाइम लगता है, उतनी देर में मैं सलाद की तैयारी कर लूँगी और बैंगन का जो भरता उसको तैयार कर लूँगी, पापड़ तल लूँगी। और देखिए पहले मैंने सलाद काट लिया है, सलाद काट रही हूँ, और सलाद काट के मैं इसको पहले डेकोरेट करूँगी ताकि जो है खाते समय हलचल ना मचे कि अरे अभी सलाद नहीं काटा, अभी ये काम करना, अभी वो काम करना है। और मैं सलाद में मूली के पत्ता भी 1 ठो काटूंगी, क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं मूली का पत्ता जो है मूली को पचा देता है। ये धनिया की पत्ती और मूली मैंने काट ली, और केवल एक ही टमाटर काटूंगी, ज़्यादा टमाटर नहीं काटूंगी, क्योंकि खाने की इतनी ढेर सारी चीज़ें हो जाती हैं कि सलाद भी फेंका जाता है। फेंकने से अच्छा है कि उतना ही बनाओ जितना खा लें सब लोग। अब देखिएगा मैं सलाद को डेकोरेट करके उसके ऊपर 2 मिर्ची काट के रखूँगी, मिर्ची भी ज़्यादा नहीं काटूँगी क्योंकि सब लोग तो खाते नहीं मिर्ची, इसलिए मैं 2 ही मिर्ची का। ये देखिए मैं 2 मिर्ची काट के सजा रही हूँ। अब इसके बाद जो है तब तक गैस की जो मैंने इंडक्शन पे खिचड़ी चढ़ाई थी वो भी जो है हो चुकी है। अब मैंने इसमें भरते में नमक मिला दिया, और मैंने केवल टमाटर की चटनी पीसी, टमाटर का कलर हमारे अपने पेड़ का टमाटर इसलिए उसका कलर इस तरह का है। जब तक मैं आपसे बातें करूँगी तब तक खिचड़ी की इस कुकर की सीटी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, वो देखिए लगभग 10-12 सीटी बज गई है, खिचड़ी हो गई होगी। अब मैं इंडक्शन ऑफ कर दूँगी और मैं पापड़ तल रही हूँ, पापड़ तल लूँगी। उसके बाद मैं
रायता बनाऊंगी थोड़ा सा दही में, पुदीने वाला नमक। मैं पुदीने वाले नमक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, वो वीडियो में देख सकते हैं। भाई खिचड़ी बनके हो गई है तैयार, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना सुंदर लग रही है। अब मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी। भगवान जी को भोग लगाने के बाद अपने चारों लोग के लिए एक ही थाली में खाना परोसूंगी, और उसमें पहले थोड़ा सा मैं देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने के बाद ही खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, खिचड़ी के चार और दही पापड़ घी अचार। अब मैं इसमें चटनी निकालूंगी। चटनी का कलर आप देख के मत सोचिएगा कैसी चटनी है, क्योंकि मेरे पेड़ के टमाटर की चटनी है। अब मैं निकालूंगी भरता, भरता के बाद पापड़ रखूंगी, रायता रखूंगी, और ये मेरी थाली तैयार हो जाएगी देखिए। और इसके बाद मैं लास्ट में रखूंगी आम का अचार। तो भैया मेरी खिचड़ी की थाली तैयार होगी, मैं तो चली खिचड़ी खाने दही पापड़ घी अचार के साथ, सलाद के साथ। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।